आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। गोवा में बीजेपी को झटका, विधायक विल्फ्रेड ने विधानसभा की सदस्यता से दिया इस्तीफा। भाजपा के स्टार प्रचारक नहीं बन सके टेनी समेत कई मंत्री, पीएम मोदी समेत 30 दिग्गज मंथन करेंगे यूपी। राष्ट्रपति के तौर पर बाइडेन का पहला साल पूरा, बोले 2024 में भी हैरिस मेरे साथ रहेंगी दौड़ में। आईसीसी की टेस्ट रैंकिंग में टीम इंडिया को बड़ा झटका, छिन गया नंबर एक का ताज। चौबीस घंटे में 3 लाख के पार हुआ संक्रमितों का आंकड़ा, 8 महीने बाद टूटा रिकॉर्ड। नमस्कार, मैं हूं त्रिशला और आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। आइए रुख करते हैं उत्तराखंड की कुछ खास खबरों की ओर। खबर बाजपुर से है, जहां पर पुलिस ने विधानसभा चुनाव को शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न कराने के लिए कमर कस ली है। इसी के चलते पुलिस प्रशासन की तरफ से नगर में फ्लैग मार्च निकाला गया है। फ्लैग मार्च बाजपुर कोतवाली से शुरू होकर कई क्षेत्रों से होता हुआ कोतवाली में संपन्न हुआ। बता दें कि चुनाव आचार संहिता लगने के बाद पुलिस प्रशासन एक्शन मोड पर दिखाई दे रहा है। इसी के चलते बाजपुर कोतवाली से दोराहा रोड पर जिलाधिकारी युगल किशोर पंत और एसएसपी बरिंदरजीत सिंह के नेतृत्व में एसएसबी टीम ने फ्लैग मार्च निकाला है। इस दौरान पुलिस प्रशासन ने लोगों से शांतिपूर्ण तरीके से चुनाव संपन्न कराने का आह्वान किया है। विधानसभा सामान्य निर्वाचन 2022 की तिथि घोषित हो चुकी है और साथ ही आदर्श आचार संहिता भी लागू हो गई है। इसी संदर्भ में आज बाजपुर क्षेत्र में एसएसपी महोदय के निर्देशन में, एक एसएसपी सर और डीएम सर के निर्देशन में एक बड़ा फ्लैग मार्च निकाला गया और इसमें जनता से ये अपील की गई कि वो निर्भीक होकर मतदान करेंगे, किसी के दबाव और लालच में नहीं आएंगे और पूरी पब्लिक से ये भी अपील की गई कि शांति व्यवस्था को बनाए रखेंगे और निष्पक्ष और शांतिपूर्ण चुनाव संपन्न होंगे, क्योंकि 14 फरवरी को यहाँ मतदान होना है और अभी हमारे पास बहुत सी बाहर से फोर्सेस आ रही हैं, तो इन फोर्सेस को हम एरिया डोमिनेशन के लिए एरिया दिखाते हैं, तो उसी के उस पर ये फ्लैग मार्चेस हम जनपद के विभिन्न स्थानों में, विभिन्न शहरों में कर रहे हैं। और इसके साथ साथ क्योंकि कोविड भी जो तृतीय वेव है वो चल रही है, तो हम लोग ये भी संदेश देना चाह रहे हैं कि इस बार के निर्वाचन को हम फ्री, फेयर एंड सेफ निर्वाचन। अल्मोड़ा में विधानसभा चुनाव से पहले फ्लाइंग स्क्वाड टीम व पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। यूकेडी प्रत्याशी व पूर्व विधायक पुष्पेश त्रिपाठी समेत 38 लोगों के खिलाफ आचार संहिता व कोरोना गाइडलाइन का उल्लंघन करने पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया है, जिन पर आरोप है कि उन्होंने बिना अनुमति जनसभा की और कोरोना गाइडलाइन का पालन नहीं किया। पुलिस ने मामले की जाँच शुरू कर दी है। बता दें कि पुष्पेश वर्तमान में द्वारहान से उत्तराखंड क्रांति दल के प्रत्याशी हैं। एक ऐसा आचार संहिता का उल्लंघन और कोविड नियमों का उल्लंघन के संबंध में सूचना प्राप्त हुआ है, उस सूचना पर थाना स्तर पर कार्रवाई प्रचलित है। सुसंगत धाराओं में क्या कार्रवाई करना है उसके संबंध में वो कार्रवाई प्रचलित है। जब किशोर उपाध्याय को कांग्रेस पार्टी से बाहर किए जाने के बाद उनके समर्थकों में काफी मायूसी है। किशोर उपाध्याय के समर्थकों ने आज अल्मोड़ा के चितई स्थित प्रसिद्ध न्याय के देवता गोलजू के मंदिर में पहुंचकर किशोर उपाध्याय के लिए न्याय की गुहार लगाई। इस मौके पर आशीर्वाद गोस्वामी ने कहा कि कांग्रेस पार्टी किशोर उपाध्याय के साथ न्याय करे, उनकी 44 साल की सेवाओं का पार्टी उन्हें इनाम दे, न कि उन्हें उपेक्षा करे। आज जो है हम लोगों ने चितई मंदिर में जाकर माननीय किशोर उपाध्याय जी के लिए गुहार लगाई, क्योंकि उनके साथ कांग्रेस ने 44 साल से जो किशोर उपाध्याय कांग्रेस की सेवा कर रहे हैं, राजीव गांधी, इंदिरा जी तथा अन्य सभी नेताओं, बड़े नेताओं के साथ उन्होंने काम किया और उसका आज फलस्वरूप उन्हें ये फल मिल रहा है कि उन्हें ये कहकर निष्कासित कर दिया गया कि वो जो है अन्य दलों से साठगांठ कर रहे हैं। आप जैसा कि मैं ज्ञात होगा कि वो वनाधिकार आंदोलन जो एक जनहित मुद्दे उस पर चल रहा है उसको लेकर वो विभिन्न दलों से मिल रहे हैं, चाहे वो बीजेपी हो, कांग्रेस हो, सपा हो, बहुजन समाज पार्टी, विभिन्न संगठनों से वो आज वार्ता कर रहे हैं, समर्थन ले रहे हैं।
तो इस मुद्दे को लेकर वो विभिन्न संगठनों से मिल रहे थे, इसी मुद्दे को मुद्दा बनाकर कुछ षड्यंत्रकारियों ने इसको मुद्दा बनाया और किशोर उपाध्याय जी को उनके जितने भी पद थे वो छीन लिए। चमोली में हर घर नल हर घर जल जैसी जनहितैषी योजनाओं की सच्चाई सामने आई है। जिले के बद्रीनाथ विधानसभा के पोखरी विकास खंड में उड़ामांडा गांव में के दलित परिवार साल भर से पानी के लिए जद्दोजहद कर रहा है। साथ ही यहां के लोगों ने बताया कि उनके घरों के आसपास हर घर नल हर घर जल के तहत आधे अधूरे नल तो महीनों पहले लगा दिए गए थे, पर पानी की बूंदे उन नलों से आई नहीं और उनको हमेशा ही पानी के लिए दर दर भटकना पड़ता है। यही नहीं, इन दलित परिवारों के गांव में केंद्र व राज्य सरकारों की तमाम योजनाएं भी संचालित नहीं की गई। ऐसे में विकास खंड स्तरीय अधिकारियों और कर्मचारियों की यह घोर लापरवाही भी उजागर करती है। और हमारे गांव में बहुत टाइम से पानी की समस्या चल रही है और जैसे आजकल भी परेशानी चल ही रही, पर कभी कभी एक महीने में पानी आ ही जाता है। हमें पानी लेने के लिए बहुत दूर दूर तक जाना पड़ता है। कभी कभी हम गाड़ी बुकिंग करके बहुत दूर दूर तक पानी लेने जाते हैं और गर्मियों में ये समस्या बनी रहती है। और हमारे यहाँ 1-1.5 महीने से पानी आ रहा है। और कभी तो हम यहाँ पोखरी गए थे 7 किलोमीटर दूर पानी लेने, और कभी यहाँ देवर भी नहीं आता पानी, और कभी हम वहाँ पागल जाते पानी लेने। एक टाइम तो हम वहाँ भी निकट गए थे पानी लेने इतने दूर, और यहाँ घर में नल लग रखा है उसमें भी नहीं आता पानी। हमारे यहाँ बहुत दूर जाते हम पानी लेने। जल जीवन मिशन वाला पाइप नल नहीं लगा आपके? लग तो रखा है। कलियर में विधानसभा चुनाव को लेकर सभी पार्टियों ने अपने अपने प्रत्याशी विधानसभाओं पर घोषित कर दिए हैं। विधानसभा पिरान कलियर में समाजवादी पार्टी से मौसम अली ताल ठोक सकते हैं। मौसम अली ने कहा कि कलियर सीट से समाजवादी पार्टी उम्मीदवार के रूप में दावेदारी पेश करेंगे और पार्टी को जीत दिलाने का प्रयास करेंगे। उन्होंने कहा कि हम क्षेत्र की समस्याओं को लगातार आवाज उठाते हैं और पार्टी के बैनर पर जन समस्याओं को अधिकारी तक पहुँचाने का काम करते हैं। देखिए, सभी 30 विधानसभाओं के उत्तराखंड में टिकट घोषित हो चुके हैं, प्रत्याशी पार्टी घोषित कर चुकी है। विधानसभा पिरान कलियर के अलावा और विधानसभाएं भी रह गई हैं जिन पर अभी काम चल रहा है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी बहुत बारीकी के साथ अपने प्रत्याशियों को मैदान में उतार रहे हैं और जो एक बहुत अच्छी बात है। उत्तराखंड के साथ साथ यूपी बहुत बड़ा राज्य है, उसमें उनको बहुत ज़्यादा व्यस्त हैं, उनको देखना पड़ रहा है, तो इसलिए जो थोड़ा लेट हो रहा है कोई बात नहीं, एक दो दिन में। एक तरफ सरकारों के चौतरफा विकासों के बड़े बड़े वादे दावे, तो दूसरी तरफ राज्य आंदोलनकारियों व शहीदों की सहमति व भावनाओं की उत्तराखंड की राजधानी गौरसैंण आज भी उन विकासों की राह पर ताक रही है। जहां कर्ण प्रयास विधानसभा क्षेत्र में आने वाले गैरसैंण के लोगों ने बताया, उनके क्षेत्र में सरकारों का विकास आज भी कोसों दूर है। बात चाहे स्वास्थ्य की करें, शिक्षा की करें, या सड़कों की करें, या नेटवर्क कनेक्टिविटी की करें, तो इन सभी मूलभूत जागरूकताओं के लिए यहां की जनता आज भी जूझ रही है। साथ ही गैरसैंण के लोगों ने नरवात विधायक के कार्यकाल को भी असफल बताया है। खबर चमोली से है, जहां पर एशिया के खूबसूरत रज्जू मार्ग में एक ओली रोपवे और चेयरलिफ्ट का संचालन एक बार फिर से शुरू हो गया है। रोपवे और चेयरलिफ्ट शुरू होने से पर्यटकों और पर्यटन कारोबारियों के चेहरे खिल गए हैं। दरअसल 9 जनवरी को रोपवे विभाग के 27 कर्मी कोरोना पॉजिटिव आ गए थे, जिसके बाद प्रशासन ने रोपवे संचालन बंद कर दिया था। कोविड का जो टेस्ट हुआ था उसमें 27 लोग संक्रमित पाए गए थे, जिसके 7 दिन का इनको होम क्वारंटीन किया गया। उसके बाद कल पुनः इनके पास एक बार टेस्ट किया गया जिसमें सबके सब नेगेटिव आए गए हैं, तो इसलिए हमने विधिवत आज से दिनांक 18 से हमने इसका संचालन कर दिया है रोपवे एंड चेयर लिफ्ट का, जिसमें 27 से 27 नेगेटिव आए हैं। उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव की उल्टी गिनती शुरू होते ही कांग्रेस ने बीजेपी पर जुबानी हमला तेज कर दिया है। पूर्व कैबिनेट मंत्री यशपाल आर ने हल्द्वानी में कांग्रेस भवन स्वराज आश्रम में प्रेस वार्ता कर देश में किसानों के हालात और बढ़ती महंगाई का मुद्दा उठाकर बीजेपी की केंद्र और राज्य सरकार पर
जमकर हमला किया है। यशपाल आर्य का कहना है कि बीजेपी के शासन में किसानों की स्थिति बद से बदतर होती जा रही है। केंद्र सरकार लगातार किसानों के साथ अन्याय कर रही है, वहीं बढ़ती महंगाई ने आम आदमी की कमर तोड़ रखी है। प्रदेश में बेरोजगारी और पलायन पहले से और अधिक हो गया है, इसलिए प्रदेश की जनता ने मन बना लिया है कि बीजेपी को हटाना है और कांग्रेस को लाना है। देखिए, आज तो जो हमारी प्रेस से मुखातिब हुआ हूँ, जो आज पूरे देश के हालात हैं, महंगाई की मार से उत्तराखंड ही नहीं पूरा देश त्रस्त है और महंगाई आसमान को छूने जा रही है, लेकिन सरकार ने, केंद्र सरकार ने आंखें मूंद रखी हैं। किसान बदहाल है, जो काला कानून इन्होंने देश के किसानों पर थोपने की कोशिश की, तानाशाही जो इन्होंने किसानों के साथ की, जिस तरह से बर्बरतापूर्ण तरीके से उन्हें डराया गया, धमकाया गया और 700 से ज़्यादा किसानों ने अपनी जान गंवाई, आखिरकार जब चुनाव नज़दीक आ गए और इन्हें लगा कि अब चुनाव में पूरा देश का किसान, पूरे देश का नौजवान, पूरे देश का मातृशक्ति, हर वर्ग हर जाति हमारे खिलाफ हो गए हैं, तो निश्चित रूप से इन्होंने काला कानून को वापस लिया है। लेकिन देश की जनता ने मन बनाया है कि भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से बेदखल करने का, सत्ता से उखाड़ने का और पूरे प्रदेश में जो चुनाव होने जा रहा है महंगाई को लेकर। विधानसभा निर्वाचन 2022 के लिए एनआईसी कक्ष में ईएमएस सॉफ्टवेयर के माध्यम से ईवीएम मशीनों का प्रथम रैंडमाइजेशन राजनीतिक पार्टी के प्रतिनिधियों के सामने की गई है। जिला निर्वाचन अधिकारी जिलाधिकारी डॉक्टर विजय कुमार जोगदंसे ने संबंधित प्रतिनिधियों को सुविधा पोर्टल की जानकारी देते हुए कहा कि प्रत्याशी नामांकन, शिकायत, चुनाव प्रचार प्रसार संबंधित सुविधा पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन कर सकते हैं। जनपद में विधानसभा निर्वाचन का तैयारी का सापेक्ष जो है, प्रथम रैंडमाइजेशन जो ईवीएम्स का होता है, इसके बाद में ईवीएम्स को जो है हम लोग संबंधित विधानसभाओं को अलॉट करते हैं और आरओ उसका जो है बाद में प्रिपरेशन की कार्रवाई करता है। तो उसके लिए जो फर्स्ट रैंडमाइजेशन होता है ईवीएम्स का, हमारे जो 947 बूथ हमने चिन्हित किया है उसका प्रक्रिया आज सम्पन्न किया जा रहा है और इसमें पॉलिटिकल पार्टीज़ के जो प्रतिनिधिगण हैं उनका उपस्थिति में रैंडमाइजेशन किया जाएगा। सभी पॉलिटिकल पार्टीज़ को 2 दिवस पहले ही सूचना इसके बारे में दी जा चुकी है और आज हम लोग जो है कार्रवाई करने के उपरांत जितने भी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं उनके साथ ये सूची को साझा भी करेंगे, ये गतिविधि को भी साझा करेंगे। साथ साथ में निर्वाचन की जो प्रक्रिया होती है उसमें विड्रॉल के पश्चात जो भी कैंडिडेट्स फाइनल हो जाएंगे तो कैंडिडेट्स को भी सूची उपलब्ध। टिहरी में टॉप मूलभूत सुविधाएं न होने पर ग्रामीणों ने विधानसभा चुनाव का बहिष्कार करने की चेतावनी दी है। टिहरी में घनसाली विधानसभा के ग्राम सेंदुल में 461 वोटर हैं। ग्रामीण द्वारिका ने कहा है कि हमारे चुने हुए प्रतिनिधि जब कुर्सी पर बैठते हैं तो ग्रामीण क्षेत्रों में आना बंद कर देते हैं। वही महिला सुशीला मैठाड़ी ने कहा है कि हमको पानी नदी से लाना पड़ता है, सुविधा नहीं मिलती है तो हम विधानसभा चुनाव का बहिष्कार करेंगे। पानी नदी से ढोना पड़ता है, अब रोज का है नदी से पानी ढोते रहेंगे और काम हम कब करेंगे। ये हमारी सबसे बड़ी समस्या है और नेटवर्क ही है, नेटवर्क नहीं है यहाँ इस गांव में, हम बहुत परेशान है। आपने चुनाव बहिष्कार की घोषणा करी है, बहिष्कार करना है चुनाव का। एक कुर्सी पर बैठना चाहते हैं जो हमारे प्रतिनिधि होते हैं और जैसे उनको कुर्सी मिलती है उसके बाद जो है उन्होंने क्षेत्र में आना बंद कर दिया और जब तक ये हमारा गांव है यहाँ केवल पानी की और उसकी ही सबसे बड़ी समस्या है। मैंने पहले भी कहा है कि ये ब्लॉक का सबसे पहला गांव है, 2-2.5 किलोमीटर दूर हमारा गांव पड़ता है, लेकिन पानी और संचार की कोई सुविधा नहीं। और ऑनलाइन पढ़ाई शुरू हुई थी तो मेरे गांव में बिल्कुल भी ऑनलाइन पढ़ाई नहीं चल पा रही थी संचार सुविधा के कारण, तो इसीलिए मैंने और गांव के कुछ अन्य बुद्धिजीवी और प्रधान जी ने संचार सुविधा के लिए प्रधानमंत्री जी और तथा मुख्यमंत्री जी एवं विधायक जी, जिलाधिकारी, उप जिलाधिकारी जी को पत्र लिखा, परंतु बड़े खेद से कहना पड़ रहा है कि
तो यह रही उत्तराखंड की कुछ खास खबरें। ऐसी और खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ, देखते रहिए प्राइम टीवी। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।